पितृपक्ष 15 दिनों के ही क्यों होते हैं, जाने इसमें तर्पण का महत्व और लाभ क्या क्या है। दोस्तों, भाद्रपद पूर्णिमा से पितृपक्ष शुरू हो जाते हैं। इस साल पितृपक्ष 15 दिन देरी से शुरू हो रहे हैं। आइए मिलकर जानते हैं पितृपक्ष की डेट, श्राद्ध की तिथियां, तर्पण नियम और उसका महत्व। पितृपक्ष पितरों को समर्पित है। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। पंचांग के अनुसार पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से होती है और अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर इसका समापन होता है। पितृपक्ष यानी श्राद्ध का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। ज्योतिषों ने बताया है कि इस बार पितृपक्ष 15 दिन देरी से शुरू होंगे। चलिए जानते हैं कि पितृपक्ष कब से होंगे आरंभ, मांगलिक कार्य पर कब आपको मिलेगी रोक और श्राद्ध की तिथियां। ज्योतिष आचार्य ने बताया है कि हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 29 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। वहीं इसका समापन अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को होता है। अमावस्या तिथि इस बार 14 अक्टूबर को पड़ रही है। 15 दिन देरी से शुरू होंगे पितृपक्ष। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि पितृपक्ष अश्विन अमावस्या पर खत्म होते हैं, इसे सर्व पितृ अमावस्या कहते हैं। अधिक मास की वजह से इस साल सावन 2 महीने का था। इसकी वजह से सभी व्रत त्योहार 12 से 15 दिन देरी से पड़ेंगे। आम तौर पर पितृपक्ष सितंबर में समाप्त हो जाते हैं, लेकिन इस साल पितृपक्ष सितंबर के आखिरी में शुरू होंगे और अक्टूबर के मध्य तक चलेंगे। क्यों खास है पितृपक्ष? दोस्तों, हमें ज्योतिष ने बताया है कि पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों को श्रद्धा पूर्वक याद करके उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। पितृपक्ष में पितरों को तर्पण देने और श्राद्ध कर्म करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दौरान न केवल पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध किया जाता है, बल्कि उसके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। पितृपक्ष में श्रद्धा पूर्वक अपने पूर्वजों को जल देने का विधान है। 15 दिन के लिए आत्मा को मुक्ति देते हैं यमराज। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष आचार्य ने बताया है कि श्राद्ध का अर्थ श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को प्रसन्न करने से है। सनातन मान्यता के अनुसार जो परिजन अपना देह त्याग कर चले जाते हैं, उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए सच्ची श्रद्धा के साथ जो तर्पण किया जाता है, उसे श्राद्ध कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में जीव को मुक्त कर देते हैं, ताकि वे स्वजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। जिस किसी के परिजन, चाहे वे विवाहित हो या फिर अविवाहित हो, बच्चा हो या फिर बुजुर्ग, स्त्री हो या फिर पुरुष, उनकी मृत्यु हो चुकी है, उन्हें पितृ कहा जाता है। पितृ पक्ष में मृत्यु लोक से पितर पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिवार के लोगों को आशीर्वाद देते हैं। पितृ पक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए आपको तर्पण किया जाता है। पितरों के प्रसन्न होने पर घर पर सुख शांति बनी रहती है। पितृपक्ष में श्राद्ध ना करने पर क्या होता है? दोस्तों, पितृपक्ष में हर साल पितरों के नियमित पिंडदान, तर्पण और हवन आदि किया जाता है। सभी लोग अपने अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि के अनुसार उनका श्राद्ध करते हैं। माना जाता है कि जो लोग पितृपक्ष में पितरों का तर्पण नहीं करते हैं, उन्हें पितृदोष लगता है। श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को तृप्ति और शांति मिलती है। वे आप पर प्रसन्न होकर पूरे परिवार को आशीर्वाद देते हैं। हर साल लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए यह किया करते हैं। हमारे शरीर में वास करती है 3 पीढ़ियां। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष आचार्य ने बताया है कि श्राद्ध करने वालों को यह भी जानकारी होनी चाहिए कि 3 पीढ़ियां हमारे शरीर में अप्रत्यक्ष रूप से वास किया करती हैं। हमारे माता पिता, दादा दादी, परदादा और परदादी, वृद्ध परदादा, वृद्ध परदादी, इन 3 सूक्ष्म प्राणियों का शरीर हमारे शरीर में रहता है और हमारा अधिकार 3 पीढ़ियों तक रहता है। श्राद्ध को हम उनके प्रस्तुति समय में ही करें। वह पितृ यानी कि वह समय दोपहर के बाद का होता है। वह समय पितरों का समय होता है। उस समय के अनुरूप हमारा चलना
यानी कि अनिवार्य रहता है। नहीं होते हैं ऐसे दिनों में मांगलिक कार्य। जी हाँ दोस्तों, पितरों के समर्पित इन दिनों में हर दिन उनके लिए खाना निकाला जाता है। इसके साथ ही उनकी तिथि पर ब्राह्मणों को भोज कराया जाता है। इन 15 दिनों में कोई भी शुभ कार्य जैसे कि गृह प्रवेश, कान छेदन, मुंडन, शादी, विवाह नहीं कराया जाता है। इसके साथ ही इन दिनों में ना कोई नया कपड़ा खरीदा जाता है और ना ही पहना जाता है। पितृ पक्ष में लोग अपने पितरों के तर्पण के लिए पिंडदान हवन किया करते हैं। शास्त्रों में श्राद्ध का महत्व क्या है? दोस्तों, ज्योतिष आचार्य ने बताया है कि गरुड़ पुराण के अनुसार पितृ पूजन से संतुष्ट होकर पितर मनुष्य के लिए आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, वैभव, पशु, सुख, धन और धान देते हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार श्राद्ध से तृप्त होकर पितृगण श्रद्धाकर्ता को दीर्घ आयु, सतती, धन, विद्या, सुख, राज, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करते हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति शाह के दौरान यानी कि शाह के द्वारा भी श्रद्धा भक्ति से श्राद्ध करता है उसके कुल में कोई भी दुख नहीं होता है। देव स्मृति के अनुसार श्राद्ध की इच्छा करने वाला प्राणी निरोगी, स्वास्थ्य, दीर्घ आयु, योग्य, सतती वाला, धनी तथा धनोपार्जन होता है। श्राद्ध करने वाला मनुष्य विधित शुभ लोगों और पूर्ण लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। श्राद्ध का विधान क्या है? ज्योतिष आचार्य ने बताया है कि हिंदू शास्त्रों के अनुसार मृत्यु होने पर मनुष्य की जीवात्मा चंद्रलोक की तरफ जाती है और ऊंची उठकर पृथ्वीलोक में पहुंचती है। इन आत्माओं को अपने नियम स्थान पर पहुंचने की शक्ति प्रदान करने के लिए पिंडदान और श्राद्ध किया जाता है। कैसे करें श्राद्ध? दोस्तों, ज्योतिषाचार्य ने बताया है कि पितृपक्ष में हर दिन तर्पण करना चाहिए। पानी में दूध, जौ, चावल और गंगा जल डाल कर तर्पण किया जाता है। इस दौरान पिंड दान करना चाहिए। श्राद्ध कर्म में पके हुए चावल, दूध और तिल को मिलाकर पिंड बनाए जाते हैं। पिंड को शरीर का प्रतीक माना जाता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य, विशेष पूजा पाठ और अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। हालांकि देवताओं की नित्य पूजा को बंद नहीं करना चाहिए। श्राद्ध के दौरान पान खाने, तेल लगाने और संभोग की मनाही है। इस दौरान रंगीन फूलों का इस्तेमाल भी वर्जित है। पितृ पक्ष में चना, मसूर, बैगन, हींग, शलजम, मांस, लहसुन, प्याज और काला नमक नहीं खाना चाहिए। इस दौरान कई लोग नए वस्त्र, नया भवन, गहने या अन्य कीमती सामान नहीं खरीदते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्दी ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियां।